वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक ऑपरेशन इन मॉडर्न ब्लोरूम। आज हम एक नए लेक्चर बेसिक ऑपरेशन ऑफ मॉडर्न ब्लोरूम लाइन की तरफ बढ़ते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम ब्लोरूम लाइन के ऑपरेशन को जानेंगे कि हमारी ब्लोरूम लाइन कैसे वर्क करती है। स्पिनिंग यानी यार्न प्रिपरेशन में, यार्न फॉर्मेशन में हमारी ब्लोरूम जो है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। पहली जो हमारी ब्लोरूम लाइन हमारी पहली मशीन है यार्न फॉर्मेशन में स्पिनिंग यूनिट की। यहाँ पे ब्लोरूम लाइन हम ओल्ड ब्लोरूम लाइन को जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम मॉडर्न ब्लोरूम लाइन, आज जो हमारी इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल रूप से जो इंडस्ट्री में हमारी मॉडर्न ब्लोरूम लाइन वर्क कर रही है, वो कैसे हमारी मॉडर्न ब्लोरूम लाइन हमारी वर्क करती है, तो हम एक ब्लोरूम लाइन के माध्यम से एक स्पेसिफिक ब्लोरूम स्पेसिफिक मेक के माध्यम से हम इस ब्लोरूम लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरे लेक्चर में बने रहिए। मैं समझता हूं कि आपको मॉडर्न ब्लोरूम लाइन कैसे हमारी वर्क करती है ये आपको क्लियरली जो है इस लेक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक पैरामीटर टू बी कंसिडर्ड इन ब्लोरूम लाइन। जनरली ब्लोरूम लाइन में हमें किन पैरामीटर को हमें कंसिडर करना चाहिए, कौन से पैरामीटर कंसिडर होते हैं जिनको हम ध्यान में रख के जो है वर्क करते हैं। नंबर ऑफ ओपनिंग मशीन, टाइप ऑफ बीटर, बीटर स्पीड, प्रोडक्शन रेट ऑफ इंडिविजुअल मशीन, फाइबर माइक्रोनेयर, साइज ऑफ द फ्लॉक इन द फीड, टाइप ऑफ ग्रिड एंड ग्रिड सेटिंग, पोजिशन ऑफ द मशीन इन द सिक्वेंस, अमाउंट ऑफ ट्रेस इन द मटेरियल, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द ब्लोरूम लाइन। ये हमारे जो है बेसिक पैरामीटर होते हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं ब्लोरूम लाइन में। ऑटोमेटिक बेल ओपनर, आप इस पिक्चर के माध्यम से जो है ऑटोमेटिक बेल ओपनर मशीन देख रहे हैं। ये हमारी जो ब्लोरूम लाइन है, ये इस ब्लोरूम लाइन की जो वर्किंग है यहां से शुरुआत होती है ब्लोरूम लाइन की। इस पिक्चर के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश किया है कि हमारी ब्लोरूम सेक्शन है, ब्लोरूम सेक्शन है जहां से हम इस बेल को इस ऑटोमेटिक बेल ओपनर के माध्यम से हम बेल की ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग करके हमारा मेटल आगे प्रोसीड होता है। इंट्रोडक्शन। ब्लोरूम इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यार्न प्रोडक्शन इन स्पिनिंग मिल, ए सेक्शन इन विच कंप्रेस्ड बेल आर ओपेंड, क्लीन्ड एंड ब्लेंडिंग आर मिक्सिंग टू फॉर्म यूनिफॉर्म लाइफ ऑफ स्पेसिफिक लेंथ इज कॉल्ड ब्लोरूम सेक्शन। द क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ ब्लोरूम इज 40-70%। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्पिनिंग लाइन फॉर स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न स्पिनिंग में ब्लोरूम लाइन हमारी जो है फर्स्ट मशीन है, पहली मशीन है जहां से हम प्रिपरेशन यानी यार्न फॉर्मेशन के जो स्टेप को इस जो है स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ मॉडर्न ब्लोरूम लाइन, मॉडर्न ब्लोरूम लाइन के क्या फंक्शन है। ओपनिंग द कंप्रेस्ड बेल ऑफ फाइबर एंड मेकिंग द कॉटन टॉप्स ए स्मॉल साइज एज फार एज पॉसिबल, डिटेक्टिंग द मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड फायर इन द फाइबर। जो हमारी मॉडर्न ब्लोरूम लाइन है वो इस तरीके से अरेंज होती है कि ये फंक्शन जो है स्टेप टू स्टेप जो है परफॉर्म होते जाते हैं। तो सेकेंड हमारा जो फंक्शन जो परफॉर्म होगा मॉडर्न ब्लोरूम लाइन है, डिटेक्टिंग द मेटल ऑब्जेक्ट्स एंड फायर इन द फाइबर, क्लीनिंग द फाइबर बाय रिमूविंग द डस्ट, डर्ट, ब्रोकन सीड्स एटसेट्रा एंड अदर फॉरेन मटेरियल फ्रॉम द फाइबर, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस आर ग्रेड ऑफ फाइबर, रिमूविंग फॉरेन फाइबर एंड प्लास्टिक कंटेमिनेशन, नेक्स्ट यूनिफॉर्म फीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। यानी यहाँ पे सारे फंक्शन जो हमारे परफॉर्म हो जाते हैं उसके बाद जो मटेरियल जो है नेक्स्ट स्टेज को, यानी नेक्स्ट हमारा स्टेज ब्लोरूम के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट जो हमारी मशीन कौन सी होगी, हमारी जो है कार्डिंग मशीन होगी यानी यूनिफॉर्म फीडिंग, यानी मटेरियल की यानी जो मटेरियल हमारा लेफ्ट फॉर्म में फीड हो रहा था वो चूट फीड के माध्यम से ब्लोरूम मॉडर्न ब्लोरूम लाइन में फीड होगा, बट जो फीडिंग हो वो यूनिफॉर्म फीडिंग हो जिससे हमारा स्लाइवर जो है यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा।
मशीन यूज्ड इन ब्लू रूम लाइन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी अलग अलग मॉडर्न की दो लाइनें हैं और कन्वेंशनल लाइन है। ये हमारी मशीनें जनरली यूज होती हैं रिटर में, यूनिफ्लॉक मेटल एंड फायर डिटेक्टर, यूनिक्लीन, यूनिमेक्स, यूनिफ्लेक्स एंड लॉपटॉप एंड ट्रुजलर मशीन में जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ट्रुजलर लाइन को डिस्कस करेंगे, बीडीटी, एसपीईएम, सीएलपी, एमएक्सयू, सीएल, C3, SP, FF, ये हमारी लाइन होगी, मॉडर्न ब्लू रूम लाइन होगी। एंड फॉर कन्वेंशनल लाइन, ये हमारी कन्वेंशनल लाइन है जो हम ओल्ड जिसको हम ओल्ड ब्लू रूम लाइन कहते हैं। तो हम इस लेक्चर के माध्यम से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर ट्रुजलर लाइन यानी ट्रुजलर लाइन को हम जो है यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। हमारी जो है ब्लू रूम लाइन फॉर कॉटन रीटर लाइन है, रीटर की हमारी मॉडर्न ब्लू रूम लाइन है। ये आप बेल ओपनर देख रहे हैं, बेल ओपनर के माध्यम से हम मेटल लेयर टू लेयर बेल को हम अरेंज कर देते हैं हॉपर। और जो हमारा ऑटोमेटिक बेल ओपनर है इस रेल पे जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है और लेयर टू लेयर मेटल की ओपनिंग होती जाती है और फ्लॉक फाइबर कॉटन फ्लॉक जो है ओपन होते जाते हैं और मेटल सक होकर इस पाइपलाइन के माध्यम से इस जो है नेक्स्ट मशीन को हमारे फीड होते हैं। नेक्स्ट हमारी ये प्री क्लीनिंग मशीन है, प्री क्लीनिंग मशीन में मेटल की ओपनिंग होती है। और नेक्स्ट जो हमारी मशीन है वो मिक्सर है, मिक्सर है ऑटोमेटिक मिक्सर है जहां पे मेटल की यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है यूनिफॉर्मिटी यार्न की क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और मिक्सिंग के बाद जो हमारी नेक्स्ट जो मशीन होती है फाइनर क्लीनर होता है, फाइनर क्लीनर जहां पे मेटल की कंप्लीट ओपनिंग एंड क्लीनिंग होती है। और ओपनिंग और क्लीनिंग के बाद मेटल हमारा नेक्स्ट स्टेप यानी कार्डिंग यूनिट को चूट फिट के माध्यम से इस पाइपलाइन के माध्यम से चूट फिट के माध्यम से हमारा फिट हो जाता है। डिफरेंट कार्ड में जो है मेटल कंटिन्यूअस हमारा फिट होता रहता है। तो इस तरीके से ये हमारी मॉडर्न ब्लू रूम लाइन है जो ओल्ड ब्लू रूम लाइन के कंपैरिजन में काफी लाइन हमारी शॉर्ट हो जाती है और शॉर्ट भी हो जाती है और इफेक्टिवली वर्क करती है। मेटल जो है ओपनिंग क्लीनिंग काफी इफेक्टिवली होती है। तो आगे बढ़ते हैं, ब्लू रूम लाइन फॉर कॉटन ट्रुजलर लाइन। यहाँ पे हम जो इस फिगर में हम ट्रुजलर लाइन देख रहे हैं, ट्रुजलर जो हमारी मशीन की, तो यहाँ पे जो है हम ट्रुजलर लाइन को डिस्कस करेंगे। ये आप हवर बेल ओपनिंग मशीन देख रहे हैं, बेल ओपनिंग मशीन देख रहे हैं, ऑटोमेटिक बेल ओपनिंग मशीन देख रहे हैं। बेल ओपनिंग, ऑटोमेटिक बेल ओपनिंग फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कंडेंसर ड्रम, ये हमारे जो है कंडेंसर ड्रम है। और थर्ड पोजीशन पे बीटर ग्रिड बार एयर फ्लो सिस्टम, बीटर ग्रिड बार एयर फ्लो सिस्टम। फोर हमारा मल्टी स्टैक कंटिन्यूअस बीटर एंड फाइव स्टेज पे हमारी जो मल्टी बीटर क्लीनर फॉर इंटेंसिव ओपनिंग एंड क्लीनिंग, मल्टी बीटर क्लीनिंग यानी हम CL3 जिसको कह रहे हैं। एंड फाइनल डिडक्टिंग स्टेप, और फाइनल जो हमारी स्टेप है डिडक्टिंग यानी जो डस्ट वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए डिडस्टर लगा होता है आखिरी स्टेज पे। तो ये हमारी कंप्लीट जो हमारी ट्रुजलर की लाइन है जिसको हम इस लेक्चर के माध्यम से आगे स्टेप टू स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओपनिंग एंड क्लीनिंग, ओपनिंग क्लीनिंग के प्रिंसिपल को हम समझ लें कि क्या हमारा ओपनिंग क्लीनिंग का क्या जनरली प्रिंसिपल होता है। ओपनिंग इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन द ब्लो रूम कैरिड आउट टू स्टेज ऑफ फ्लॉक इन द ब्लो रूम एंड द स्टेज ऑफ इंडिविजुअल फाइबर इन द कॉर्ड। एनी ओपनिंग इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन द ब्लू रूम लाइन, एनी ओपनिंग जो है ब्लू रूम का जो है पहला ऑपरेशन है जो मेटल को ओपन करता है। कैरिड आउट टू स्टेज ऑफ फ्लॉक यानी फ्लॉक के फॉर्म में हमारा जो है मेटल ओपन होता है इन द ब्लू रूम एंड द स्टेज ऑफ इंडिविजुअल फाइबर इन द कार्ड। और कार्ड सेक्शन में यानी जब ब्लू रूम से मेटल हमारा कार्डिंग सेक्शन में इंटर करता है, फीड होता है, तो कार्डिंग सेक्शन में इंडिविजुअल फाइबर की ओपनिंग होती है। यानी ये फाइबर की ओपनिंग जो है क्लीनिंग के लिए मस्ट है कि फाइबर हमारा ओपन हो। इन द स्टेज ऑफ ओपनिंग मशीन विथ एन ओपनिंग फंक्शन है to toss the separating clumps of fiber into small lar ones,
यानी ओपनिंग के लिए हमारा जो है नेसेसरी है कि मेटल हमारा स्मॉल टू स्मॉल पोर्शन में जो है यानी फाइबर टू फाइबर ओपनिंग जो है मैक्सिमम फाइबर की ओपनिंग हो, जिससे जो हमारे डस्ट इम्प्योरिटीज इंट्रैप है फंसे हुए हैं वो जो है सेपरेट हो जाए। क्लीनिंग विथ कॉटन, देयर आर ऑफ्टन सीड्स कोट्स फ्रेगमेंट अटैच टू देम, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सम ऑफ द एक्सट्रेनियस मैटर विदाउट विग्रस मैकेनिकल एक्शन एंड विदाउट एडिक्वेट ओपनिंग। यानी जो हमारे मटेरियल है वो जो है जो कॉटन मटेरियल है, कॉटन फाइबर है, उसमें कॉटन सीड्स और ट्रेस पार्टिकल जो है ट्रैप होते हैं, फंसे होते हैं, और वो जो है रिमूव होते हैं जब उसको हम मैकेनिकली उसको मेटल को ओपन करते हैं। एवरी टाइम्स ए क्लम्प्स ऑफ फाइबर इज डिवाइडेड, अ न्यू सरफेस इज एक्सपोज फ्रॉम विच इट रिलेटिवली इजी टू रिमूव द लूज अनवांटेड मैटर ट्रेस। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूनिफ्लॉक बीडीटी ऑटोमेटिक बेल ओपनर, यानी जो हम अब मशीन के जो है डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं आगे, तो यहाँ पे बीडीटी आप यहाँ पे जो है पहले हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारे फिगर में हमारी ऑटोमेटिक बेल ओपनिंग मशीन है जिसको हम बीडीटी कह रहे हैं। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस मशीन के बारे में, कैसे है ये मशीन हमारी इफेक्टिवली वर्क करती है। इन दिस जोन बेसिक फंक्शन इज टू ओपन द फाइबर फ्रॉम द बेल वेयर फाइबर आर एट वेरी कंप्रेस्ड एंड डिसओरिएंटेड स्टेट। यहाँ पे जो हमारा इस मशीन का जो फंक्शन है कि फाइबर की जो है ओपनिंग करना किससे, बेल से। बेल जो हमारी काफी कंपैक्ट फॉर्म में होती है, बेल हमारी जो है टाइटली जो है एक पैकिंग होती है उसकी, इसलिए हमारी जो मटेरियल है काफी कंपैक्ट हो जाता है। और इस मशीन का फंक्शन है कि उससे लेयर टू लेयर एक एक जो है फ्लॉक के फॉर्म में मेटल की ओपनिंग करता है। बीडीटी हमारी यानी ऑटोमेटिक बेल ओपनर, द ओपनिंग डिवाइस हैज टू पेनिट्रेट इनटू द बेल एंड पिकअप द टफ्ट्स ऑफ फाइबर ड्यूरिंग रिलीजिंग फ्रॉम डिफरेंट बेल साइमल्टेनियसली। द साइज ऑफ फाइबर पैकेज इज कन्वर्टेड फ्रॉम 200 kg टू 10 ग्राम पर टफ्ट्स। यानी जो हमारी बेल है जनरली 200 kg की है, तो उससे जो है मेटल किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 ग्राम पर टफ्ट्स। यानी जो हमारी एक टफ्ट की साइज होती है जनरली यहाँ पे बेल ओपनर स्टेज पे वो 10 ग्राम पर टफ्ट्स होती है। ऑन दिस जोन दी मशीन मूव्स टू कवर मैक्सिमम बेल, जनरली रोलर विथ टूथ डिस्क इज यूज फॉर ओपनिंग डिवाइस, नो बीटिंग एक्शन बट प्लकिंग इज परफॉर्म हियर। यहाँ पे जो है इस मशीन में जो है बीटिंग एक्शन परफॉर्म नहीं होता, बट मेटल की प्लकिंग होती है, मेटल की प्लकिंग होकर के कंटिन्यूअस ओपनिंग जो है लेयर टू लेयर ओपनिंग परफॉर्म होती है। एज शोन इन फिगर, रोटेटिंग ओपनिंग रोलर फिटेड विथ टूथ डिस्क आर मेड टू ट्रेवर्स ए लाइन ऑफ प्री असेंबल्ड कॉटन बेल्स, द टूथ डिस्क प्लकिंग टफ्ट्स फ्रॉम ईच बेल एज दे मूव फ्रॉम बेल टू बेल, द टूथ डिस्क गिव अ जेंटल ओपनिंग टू प्रिवेंट मिनिमाइज द फाइबर ब्रेकेज विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मॉलर टफ्ट्स एट हाइयर प्रोडक्शन रेट देन द मिक्सिंग बेल ओपनर। तो इस तरीके से हमारा जो है ये बीडीटी जो है परफॉर्म करता है, यानी ये हमारी ओपनिंग डिवाइस है जहाँ पे मेटल को जो है एक स्मॉल फ्लॉक के फॉर्म में जो है लेयर टू लेयर ओपनिंग होती जा रही है। यहाँ पे हम इस मशीन का टेक्निकल डाटा को डिस्कस करेंगे। ट्रेवर्स स्पीड, यानी मशीन जो है इस रेल पे जो किस स्पीड से जो ट्रेवर्स करती है, 10 to 18 meter per minute। स्पीड ऑफ टेक ऑफ रोलर 1400 to 1800 RPM। नॉमिनल टेक ऑफ डेप्थ, यानी जो है कितना पेनेट्रेट करता है रोलर, 2.5 to 3.5 mm। वर्किंग एलिमेंट ऑफ बेल ओपनर और बेल ब्रेकर, जो हम मशीन ऊपर डिस्कस कर रहे थे, बेल ब्रेकर ये हमारी ओपनिंग शाफ्ट है, ओपनिंग शाफ्ट हमारी रोटेट करती है और मेटल में पेनिट्रेट होती है, और पेनिट्रेट होकर के फाइबर टफ्ट्स के रूप में हमारा मेटल ओपन होता जाता है। बेल ओपनर जो है ट्रेवर्स मोशन करता है लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे जो है दो हमारी शाफ्ट होती हैं, जब मेटल जब हमारा हॉपर बेल ओपनर
ट्रेवल डायरेक्शन टू राइट, यानी राइट डायरेक्शन को जब मूव कर रहा है, द लेफ्ट रोल इज लिफ्टेड, तो उस कंडीशन में लेफ्ट रोल हमारा लिफ्टेड कंडीशन में होगा और राइट शाफ्ट जो हमारी वर्किंग कंडीशन में होती है. और जब हमारे बीडीटी यानी अपर बेल ओपनर जो है जब लेफ्ट डायरेक्शन को मूव करता है, उस कंडीशन में राइट शाफ्ट हमारी जो है लिफ्ट कंडीशन में होती है, यानी ऊपर होती है, और जो है लेफ्ट शाफ्ट हमारी जो है वर्किंग कंडीशन में होती है. मेटल ओपन होता जाता है, सक होता जाता है, और सक होकर के इस पाइपलाइन के माध्यम से मेटल प्री क्लीनर को फॉरवर्ड हो जाता है. तो इस तरीके से हमारा अपर बेल ओपनर वर्क करता है. आगे हम बढ़ते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मेटल फायर डिटेक्टर SPEM, यानी जब हमारा मटेरियल ओपन हो जाता है, बीडीटी हॉपर बेल ओपनर से ओपन होकर के आगे बढ़ता है, तो ये हमारी डिवाइस लगी होती है. द इलेक्ट्रॉनिक मेटल सेपरेटर SPEM हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्लीनर एंड कार्ड फ्रॉम मेटल पार्ट्स एट द इंटरफेस बिटवीन द बेल वर्क ऑफ एंड मिक्सचर क्लीनर. जो अगर कोई भी मेटल पार्ट अगर हमारी मेटल में अगर है, एग्जिस्ट करता है और वो पास हो जाता है, अगर पास हो जाएगा तो जो हमारा सॉ टीथ रोलर है वो हमारा डैमेज हो जाएगा. अगर प्लोरूम से निकल के अगर कार्ड में चला जाता है तो कार्ड्स के जो है सॉ टीथ जो वायर हमारे डैमेज हो सकते हैं. तो इस तरीके से ये मेटल पार्ट, कोई भी मेटल पार्ट हमारे मेटेरियल में ना हो और पहले ही ट्रैप हो जाए, पहले ही कैच हो जाए, इसलिए ये हमारी डिवाइस लगी होती है. और जो कोई भी मेटल पार्ट अगर पास करता है तो ये डिवाइस उसको कैच कर लेती है और मेटल से मेटल पार्ट को जो है सेपरेट कर लेती है. सिंस इन द प्रोसेस द मटेरियल ट्रांसपोर्ट इज परफॉर्म बाय द डाउन स्ट्रीम मशीन, इट इज फ्री ऑफ एग्जॉस्ट एयर एंड रिक्वायर नो फिल्टर कैपेसिटी इन ऑर्डर टू रिड्यूस फायर डैमेज. फायर डैमेज का हमारा जो सिस्टम लगा था उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है. द मशीन इज इक्विप्ड विथ सेंसर, देयर दे आर कनेक्टेड टू द इंस्टॉलेशन कंट्रोल. यानी हम मशीन को देखते हैं, फिगर को देखते हैं, हमें पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी. ये हमारा जो है SPEM जो हमारी डिवाइस है वो लगा हुआ है. द रेक्टेंगुलर डस्ट इज मॉनिटर्ड बाई टू स्पार्क डिटेक्टर. यानी यहाँ पे जो है स्पार्क वन जो हमारा क्या लगा है, स्पार्क डिटेक्टर लगा है. दी टू जो हमारे पे टू जो जो टू पोर्शन है ये डिवाइस जो लगी है. द मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ मेटल. ये मेटल डिटेक्टर है, ये हमारा फायर डिटेक्टर है और ये हमारा मेटल डिटेक्टर है. थ्री द एक्सट्रैक्शन फ्लैप डज नॉट वर्क विद द प्री टेंशन स्प्रिंग. यानी जी थ्री पोर्शन है उसको बताया जा रहा है. बट द एक्टिवली ओपन एंड क्लोज एंड एक्सटिंग्विश नोजल फोर पोजिशन जो है हमारी जो है एंड एक्सटिंग्विशिंग नोजल इज इंस्टॉल एट द पॉइंट फाइव जो हमारा पॉइंट है. हीट डिटेक्टर मॉनिटर द वेस्ट कंटेनर. ये हमारे जो फायर एंड मेटल डिटेक्टर जो है डिवाइस लगी होती है. जो फायर अगर अगर जो है इस मेटल में अगर फायर अगर कॉट करती है, अगर आग हमारी पकड़ती है, उस केस में जो है एक डिटेक्टर लगा होता है जो इस मशीन को प्रोटेक्ट करता है. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ CLP प्री क्लीनर. यानी हमारा मेटेरियल बेल ओपनर के बाद जो है पास होता है प्री क्लीनर को. और प्री क्लीनर हमारा कैसे वर्क करता है. इन दिस जोन बेसिक फंक्शन इज टू ओपन द फाइबर टब्स टू स्मॉल साइज एंड टू क्लीन द टब्स रिमूविंग बिग साइज ऑफ ट्रैश बट स्मॉलर साइज ऑफ इम्प्योरिटी विच आर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर इज नॉट रिमूव्ड हियर. मेटल की यहाँ पे ओपनिंग होती है और जो जो ट्रेस पार्टिकल हैं और जो बिगर साइज ट्रेस पार्टिकल हैं वो यहाँ पे रिमूव होते हैं और जो फाइन ट्रेस पार्टिकल है वो यहाँ पे रिमूव नहीं हो पाते हैं. जेंटल बीटिंग एक्शन बट नो पिकिंग इज परफॉर्म्ड हियर. टेक्निकल डाटा अगर हम देखें इस मशीन का, डायमीटर जो है बीटर का 700 to 800 mm, स्पीड जो है बीटर का जो स्पीड है 400 to 800 RPM एंड ग्रिड बार सेटिंग जो है, अगर ग्रिड बार की सेटिंग देखें 2.5 to 3.5 mm. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ MXU मल्टीमिक्सर. यानी जो प्री क्लीनर के बाद जो मटेरियल हमारा मल्टीमिक्सर को जाता है, तो मल्टीमिक्सर कैसे वर्क करता है हम फिगर को देख लेते हैं. यहाँ पे ये हमारा मल्टीमिक्सर है.
मल्टी मिक्सर में मटेरियल जो है ये हमारे कंटेनर सेपरेट अलग अलग कंटेनर बने हुए हैं, सिक्स कंटेनर है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स कंटेनर में हमारा मटेरियल जो है फीड होता है और मटेरियल यहां से इंटर करता है और अलग एक एक कंटेनर में जो है फीड होता जाता है और फीड होकर के मटेरियल हमारा जो है आगे मिक्स होकर के और आगे जो है सेपरेट होता है। इसमें जो इम्प्योरिटीज ट्रेस पार्टिकल होती है यहाँ पे परफोरेटेड पोर्शन होता है, वाल हमारी परफोरेटेड है और यहाँ से जो है ट्रेस पार्टिकल हमारे सक कर लिए जाते हैं और सेपरेट कर लिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है मिक्सिंग जो है वेल परफॉर्म होती है। आइए देखते हैं, इन दिस जोन मेन फंक्शन इज टू ब्लेंड द रॉ मेटेरियल ऑफ डिफरेंट क्वालिटी टू इक्वलाइज एंड इवन द मेन क्वालिटी ऑफ डिलीवर्ड मेटेरियल बिकॉज नेचुरल फाइबर जनरली रिमेन इन वेरिएशन इन क्वालिटी। दिस सिस्टम इम्प्लाइड इन दिस जोन एज शोन इन फिगर, आपने फिगर में देखा, कंप्राइजेस सिक्स वर्टिकल चैम्बर इन सिक्वेंस, यानी हमारे जो है सिक्स चैम्बर है। द टेक्नोलॉजी ऑफ आउटलेट इज इम्प्लीमेंटेड इन सच ए वे दैट मेटेरियल इज टेकन अप बाय रोटेटिंग रोलर, एंड नीचे हमारे जो रोटेटिंग रोलर है उससे हमारा मेटेरियल जो है आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है। देयरफॉर मिक्सिंग टेक प्लेस होमोजेनियसली एट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो पोजिशन, और इस तरीके से इस मशीन के माध्यम से हमारी जो है मिक्सिंग जो है होमोजेनियस मिक्सिंग जो है परफॉर्म हो जाती है। टेक्निकल डाटा को हम यहाँ पे डिस्कस कर, स्टोरेज वॉल्यूम पर चेंबर, स्टोरेज कैपेसिटी पर चेंबर 4280 केजी, स्पीड ऑफ ओपनिंग रोलर 1000 to 1200 आरपीएम। तो ये हमारा मल्टीमिक्सर है, मल्टीमिक्सर के बाद हमारा मेटल जो है आगे जो है नेक्स्ट यूनिट जिसको हमारा फीड होता है वो है CL C3। इन दिस यानी हम फिगर को पहले देख लेते हैं, हमारी पिक्चर के इस पिक्चर के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो है थ्री रोलर शॉर्ट टूथ रोलर लगे हैं, जो हमारा फर्स्ट जो इस रोलर में फीड होगा, उसके बाद मिडिल रोलर में और मिडिल के बाद जो है इस रोलर में। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो शॉर्ट टूथ है, शॉर्ट टूथ यानी जो कोर्स है उसके बाद फाइन है और उससे भी फाइन है। इस तरीके से मेटल की ओपनिंग का लेवल जो है कंटिन्यूअस बढ़ता जाता है, ओपनिंग हमारी जो है फाइन होती जाती है। आइए देखते हैं, इन दिस जोन द बेसिक फंक्शन इज टू ओपन द फाइबर टफ्ट्स टू स्मॉलेस्ट साइज एंड टू क्लीन द टफ्ट्स टू द ग्रेटर एक्सटेंट, रिमूविंग इवन स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ट्रेस एंड डस्ट व्हिच आर ट्रैप्ड बिटवीन द फाइबर। दिस सिस्टम कंप्राइज थ्री रोटेटिंग बीटर विथ कार्डिंग शॉ टूथ वायर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम इट्स सरफेस विथ डिफरेंट ग्रेजुअल पॉइंट्स डेंसिटी एंड द सीरीज ऑफ ग्रिड बार पोजिशन बिलो द बीटर। यानी यहाँ पे हमारे तीन जो है रोटेटिंग रोलर होते हैं जो अलग अलग जो शॉ कवर्ड होते हैं, अलग अलग डेंसिटी के, वायर डेंसिटी के होते हैं, और कोर्स यानी जो फर्स्ट रोलर होगा जिधर से मेटल फीड हो रहा है उधर हमारा कोर्स होगा, उसके बाद जो है फाइन होगा और उसके बाद और फाइन होगा, जिससे मेटल की ओपनिंग लेवल हमारी बढ़ती जाती है, जो ट्रैप जो ट्रेस पार्टिकल जो ट्रैप है वो क्लीन होते जाते हैं। दिस सिस्टम इज यूज एज लास्ट ओपनिंग एंड द क्लीनिंग स्टेज फॉर कॉटन टफ्स इन द ब्लो रूम एंड देयरफॉर रिसीव टफ्स फ्रॉम द कोर्स क्लीनर एंड ओपनर। इंपॉर्टेंटली द फाइबर स्पीड शुड प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फ्रॉम बीटर 1 to 3, फॉर एग्जाम्पल 900, 1100 and 1400 आरपीएम। हेंस द मेन टफ साइज इज डिक्रीज फ्रॉम 1 milligram by the first beater to 0.7 milligram and 0.5 milligram by the second and third beater. यानी जो फाइबर टफ्ट्स की साइज है वो कंटिन्यूअस डिक्रीज होती जाती है फर्स्ट बीटर टू थर्ड बीटर। ये आप फिगर में जो है क्लीनर CL C3 देख रहे हैं, जो हमारी मेटल फीड हो रहा है, यानी हमारा फर्स्ट शॉर्ट टूथ रोलर है, उसके बाद मिडिल एंड फाइनल हमारे थर्ड शॉर्ट टूथ रोलर है, जो कंटिन्यूअस जो है अगर वायर डेंसिटी देखें, फाइबर की पिन डेंसिटी देखें, तो कंटिन्यूअस जो है डेंस होती जा रही है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ SPFP, यानी SPFP हमारी जो मशीन है यहाँ पे जो है काफी एक इम्पॉर्टेंट मशीन है, जो
अलग अलग कंटामिनेटेड जो फाइबर है उसको जो है सेपरेट करती है, डस्ट पार्टिकल को सेपरेट करती है। तो इसके प्रिंसिपल को हम जो है जानेंगे कि ये मशीन हमारी कैसे वर्क करती है। फाइनल क्लीनिंग जो हमारी जो जो आखिरी जो हमारी क्लीनिंग है, क्लीनिंग के बाद जो मेटल कार्ड को फीड होने वाला होता है यानी चूट फिट के माध्यम से, उससे पहले हमारी ये मशीन लगी होती है यानी CL3 के और चूट फिट से के बीच में यानी ब्लैक एरो। यानी यहाँ पे हम फिगर को देखें, ये हमारा जो है ब्लैक एरो इंडिकेट द मेटेरियल, द ब्लैक एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फाइबर मास ब्लो एज शोन इन फिगर, द 3 CCD कैमरा दैट गिव हाई बट यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन विथ टू फील्ड, द कैमरा डिटेक्ट द डिस्टॉर्टेड कलर आर कंट्रास्ट जनरेटेड बाई द पोलराइजेशन इन लाइट, पॉलीप्रोपिलीन एंड ट्रांसपेरेंट आर सेमी ट्रांसपेरेंट PE फॉयल ऑन द डिटेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड पार्ट ऑफ द फाइबर मास, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेस्ड एयर नोजल बीम एंड स्पीड सेंसर आर सिलेक्टिवली एक्टिवेटेड टू ब्लो द कंटामिनेटेड पार्ट ऑफ द फाइबर मास फ्रॉम द फाइबर चैनल इनटू ए वेस्ट सेक्शन यूनिट, देयरफॉर द फाइबर मास इज स्क्रीन टू द फ्री ऑफ द मटेरियल कंटामिनेटेड। यानी जो अगर हमारा मेटल में अगर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन है, यहाँ पे मेटल की जो है हमारा मेटल ब्लो करता है इस यूनिट में, और ब्लो करने के बाद मेटल जो है यहाँ पे ओपन होता है, क्लीन होता है, और आगे जब यहाँ पे जो है सेंसर लगा है, अगर कोई भी कंटामिनेटेड पार्ट है सेंसर हमारा कैमरा सेंस करता है, और स्पीड और नोजल का कॉम्बिनेशन होता है उस स्पीड को सेंस करता है सेंसर, और नोजल हमारी वर्क करती है और फाइबर को सेपरेट कर देती है। आगे एक यूनिट हमारी और लगी होती है जहां पे कैमरा लगा है, अगर कोई भी जो है पार्ट जो है फॉरेन मैटर यहाँ से पास होता है, कंटेमिनेटेड मैटर पास होता है, अलग फाइबर जो हमारे कॉटन के अलावा अलग फाइबर अगर पास होते हैं तो वो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिए जाते हैं, और जिस स्पीड से पास हो रहा है और स्पीड और नोजल का एक कॉम्बिनेशन होता है, नोजल हमारी वर्क करती है, थ्रो करती है, एयर थ्रो करती है, और वो पार्टिकल जो है इस लाइन से सेपरेट कर लिया जाता है। इस तरीके से हमारा जो है कंटेमिनेटेड पार्ट जो है सेपरेट हो जाता है, और हम आसानी से क्लीन विदाउट कंटामिनेशन जो है कॉटन फाइबर को हम कॉटन फाइबर से हम यार्न प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप को जो है हम भेजते हैं। क्लीनिंग एफिशिएंसी हमारी जो कार्ड हमारा जो है ब्लो रूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लीनिंग एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इन द इज द रेशियो ऑफ द ट्रैश रिमूव्ड बाई मशीन टू दैट ऑफ द टोटल ट्रैश फिट इन द मशीन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। यानी क्लीनिंग एफिशिएंसी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मेटेरियल में हमारा ट्रैश परसेंटेज कितना है, और जो मेटेरियल फीड हुआ उसमें कितना है, और जो मेटेरियल हमारा डिलीवर हो रहा है उसमें हमारा ट्रैश पार्टिकल कितना है। तो इस तरीके से हम दोनों को जो है माइनस कर देते हैं और डिवाइड बाई टोटल फीड जो ट्रेस पार्टिकल जो फीड मेटेरियल में था उससे हम डिवाइड करके इन टू 100 कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज में जो हमारी क्लीनिंग एफिशिएंसी आ जाती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के से जो हम समझने की कोशिश करते हैं, टोटल वेट ऑफ फाइबर इन ले डाउन यानी हमने 20,000 kg जो है मेटल को प्रोसेस में लिया यानी 100 बेल, ट्रेस 4% ऑफ द टोटल वेट, अगर 4% मेटल में ट्रेस है तो टोटल वेट कितना है ट्रेस का 800 kg, ट्रेस रिमूव 2.8%, अगर ट्रेस ब्लोरूम ने रिमूव किया तो कितना जो है ट्रेस रिमूव हो गया, अगर 20,000 kg का देखें तो 560 kg, सो क्लीनिंग एफिशिएंसी विल बी 560 kg डिवाइड बाई 800 इंटू 100 यानी 70% अकॉर्डिंग टू दी फॉर्मूला, यानी 70% हमारी ब्लो रूम ने क्लीन कर दिया मेटल को। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आपने ब्लो रूम लाइन मॉडर्न ब्लो रूम लाइन को समझा कि हमारी मॉडर्न ब्लो रूम लाइन कैसे वर्क करती है। तो ये लेक्चर जो है काफी आपको जो है मॉडर्न ब्लो रूम लाइन को समझने के लिए काफी इफेक्टिव होगा। मैं समझता हूँ कि इस लेक्चर के माध्यम से आपकी का जो है मॉडर्न ब्लो रूम लाइन का कंसेप्ट काफी क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।